Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now exercise 1.2, question number 1. First question says, state whether the following statements are true or false and justify your answers. आपको नीचे दी गई कुछ स्टेटमेंट्स को ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है और आपके आंसर्स के रीजंस देने. सो फर्स्ट, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द ट्रू फॉल्स इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. क्या हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. सो इट इज ट्रू एज द रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स. आपको ये पता है कि रियल नंबर्स के अंदर जितने भी नोन नंबर्स होते हैं इस इंफिनिटी में जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंक्लूडेड. सो यस, इट इज ट्रू. नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. सो इट इज फॉल्स, क्योंकि हर किसी को हम एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते. रूट एम को हम नेचुरल, एक एम को नेचुरल नंबर अगर मान रहे हैं तो अगर 3/2 मैं एक रैशनल नंबर ले लूं, सो 3/2 ऑन द नंबर लाइन कैन नॉट बी अ स्क्वायर रूट. 3/2 को हम स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते किसी भी चीज का, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4. सो फर्स्ट स्क्वायर रूट इज 2 ओनली. सो 3 इज नॉट अ स्क्वायर रूट. सो इट इज एंड इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर एज वेल. सो इट इज फॉल्स. थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट थी उसमें हमने ये देखा था कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है. इसमें उन्होंने पूछा है क्या हर रियल नंबर इरेशनल है, क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? सो इट इज फॉल्स, क्योंकि हर नंबर एक रियल नंबर के अंदर इंक्लूडेड है. बट अगर हम इरेशनल नंबर अकेला देखें तो हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल 2, इट इज अ रियल नंबर, इट इज एन इंटीजर एंड इट इज अ रियल नंबर. सो इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स.